मेरा नाम इब्रार और आज हम आपको दिखाएंगे यामाहा YBR-G सिरेमिक के लिए आए हैं, तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक और चीज़ बता दूं कि वीडियो को आपने छोड़ना नहीं है, एंड पे आपको एक चीज़ दिखाऊंगा मैं। काफ़ी भाई की कंप्लेन थी कि यार हमारे जो बाइक के पार्ट्स हैं ना, ब्लैक जो ब्लैक पार्ट है वो सफ़ेद हो ही जा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा, सस्ता है, तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। अभी शुरू करते हैं हमारे साथ वीडियो का। ओके भाई, शोर की माजरत है लेकिन आपको वीडियो ज़रा इन्जॉय करें। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त सिरेमिक हुई है, इसकी शाइनिंग आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हुई है। और अभी सिरेमिक के साथ डिटेलिंग भी की है, जो सारे पार्ट्स हैं आप देख रहे हैं किस तरह चमक रहे हैं। ब्लैक पार्ट बिल्कुल मैट फिनिश में दिख रहे हैं, और इस साइड से अगर आप देख लें फ्रंट सारा मीटर ईच इन एवरीथिंग इसके सफाई की गई है। इसे कहते हैं डिटेलिंग एंड सिरेमिक। ये अंदर के पार्ट्स चेक कर लें कितने साफ़ सुथरे किए गए हैं, ये देखें जी। तो ये चीज़ होती है सिरेमिक और डिटेलिंग। सिरेमिक जो की जाती है आपके पेंट पार्ट्स के ऊपर की जाती है, और जो डिटेलिंग है वो तो सारे के सारे पार्ट्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं, और यकीन करें गाड़ी से ज़्यादा ना इसके ऊपर मेहनत लगती है, क्योंकि इसके ना ब्रेक पार्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरा दिन लग जाता है। अभी ये सुबह से आया हुआ बाइक, और मुझे फ़ोन आया था कि इसकी डिटेलिंग होगी, आके वीडियो बना लो। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं इसके साइड कवर्स दिखाता हूँ, इसकी शाइनिंग दिखाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त सिरेमिक हुए हैं। ये भी सूख चुका है सिरेमिक, ये देखें जी, ये देखें कितना ज़बरदस्त हो गया। तो ये चीज़ होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ब्लैक पार्ट्स हैं ना, ये हो जाते हैं वाइट। उसके लिए सोल्यूशन ढूंढना है, अभी बस वेट करें, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, हम जो डिटेलिंग वगैरह सिरेमिक वगैरह करते हैं ना, वो तो मैगवाइट के सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ये रैक ना मतलब कि 1.5 से 2 लाख रुपए का तक का है। इसके अंदर आप हर चीज़ एक देख लें, एप्लीकेटर्स हो गए, कुछ भी हो गया, आपको हर जगह आपको ब्रांडिंग नज़र आएगी मैगवायर की, ठीक है। और मैगवायर अमेरिकन ब्रांड है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन अभी आपने एक मरतब सिरेमिक करवा ली, कोटिंग करवा ली, तो उसके बाद आप घर जाके क्या करेंगे, उसका मैं सोल्यूशन आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ रखना है अपने पास, ठीक है। और एक आपके पास फोम होना चाहिए, फोमिंग पैड, जिस तरह का मतलब कि नॉर्मल सा फोम पैड कोई भी घर में आप रख लें, ये रखना है। और अब मैं तीसरी चीज़ आपको दिखाने लगा हूँ। ओके भाई साहब, पहली बात तो ये है, सजेशन जो होती है ना वो यही है कि हाई एंड आपका चीज़ रखें, आप क्वालिटीली रखें। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली बाइकर्स, ठीक है, बाइकर्स ज़्यादा इस तरह अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं खुद इतनी महंगी पॉलिश वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका अल्टरनेटिव मैंने ढूंढा, ये टर्टल का। और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये वाला जो अगर आप देख लें, प्रोटेक्टेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर, और इसके अंदर दो सोल्यूशन है, आप इंटीरियर में भी और टायर पे भी मार सकते हैं, ठीक है। एक तो ये पार्ट हो गया आपका, और सेकंड चीज़ ये रस्ट क्लीनर के लिए WD-40 जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर है, ये भी रखें आप। आपको मैं बताऊँगा कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है बाइक में, ये ओनली फॉर बाइकर्स है, गाड़ियों के लिए ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड चीज़, जो थर्ड चीज़ है, ये आपने फोम रखना है जो टायर की शेप में बना हुआ है। अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ओके भाई, आवाज़ तो मेरी कम आ रही होगी, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट आपने इतना सा अप्लाई करना है कि अगर आप डायरेक्ट इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लगेगा, और आपकी बोतल दिन ब दिन जल्दी खाली होना शुरू हो जाएगी। आपने जस्ट इतना सा अप्लाई करना है, और बाइक को न्यूट्रल रखना है। ये देखिए, न्यूट्रल किया हमने बाइक, अभी भी नहीं हुआ, चले। अब आप देखें जी, आपने जस्ट इस तरह अप्लाई करना है, ठीक है, बिल्कुल इजी प्रोसेस है, कोई भी इतना टाइम नहीं लगता। और इसकी आपको शाइनिंग मैं आपको दिखाता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे, ये बहुत ज़बरदस्त है। और ये इंस्टेंटली सूख जाता है, सबसे अच्छी बात ये है, सूखने का मकसद ये है कि इसके कोई मार्क नहीं रहते, ये चेपड़े नहीं डालता, ठीक है ना, उर्दू ज़बान अगर समझाया जाए तो। सबसे अच्छी बात यह है, ये भी लगाया इसने विद इन सेकेंड ये सूख जाना है, और जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई डस्ट मार्क वगैरह भी नहीं रहेंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको ब्ली, ये डीप ब्लैक आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, अभी इस साइड में आपको इतना हिस्सा मार के दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ पे आपको ग्रे ग्रे दिख रहा है, यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये देखें, इतना ईजी सा है ये सेटअप। अगर आसान लफ्ज़ों में समझाया जाए तो ये आप देख लें, ये मैंने अभी इसके ऊपर अप्लाई किया है, और
आप इसकी शाइनिंग देख सकते हैं कि कुछ देर बाद ये मैट हो जाएगा और मैट जैसा लगेगा कि अभी आपने पिन पैक टायर लगाए। ये इतना ईजी प्रोसेस है। अच्छा, इस पॉलिश को आप ना साइलेंसर पे भी मार सकते हैं। अभी मैं एक हाथ से कैमरा उठाया हुआ है, दूसरे हाथ से मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमने इस पर अप्लाई किया और ये देखें जी, अभी आप इसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विड लग गया, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कितनी ज़बरदस्त काम करता है। और ये आपने पूरा अप्लाई कर लेना, ठीक है जी, ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक है, ज़्यादा लगाएंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। और अगर ज़्यादा लग भी जाता है तो आपने जल्दी जल्दी इसको उठा देना है। अभी इसका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। अभी आधा साइलेंसर मैंने नहीं किया साफ़ और आधा कर लिए, ठीक है जी। अभी कुछ देर बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। जितनी देर वो सूखता है उतनी देर हम यहाँ पे मार के आपको दिखा देते हैं। जो जो वाइट पार्ट्स हैं आपके सामने, इसको ब्लैक करेंगे। और वाइट पता क्यों होते हैं? हम गलती से ना पॉलिश मार देते हैं। पॉलिश जो होती है वैक्स, ठीक है, हार्ड वैक्स जो मारते हैं आप प्लास्टिक के ऊपर, वो इसके अंदर जज़ब हो जाता है क्योंकि खुदरापन है इसके अंदर, ठीक है, तो ये जज़ब हो जाती है इसके अंदर, उसकी वजह से ही ये वाइट मार्क आ जाते हैं। अभी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा हद तक ना वाइट मार्क ख़त्म हो गए हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं जैसे जैसे मार रहा हूँ शाइनिंग और बढ़ती जा रही है। तो ये इतनी ज़बरदस्त सिस्टम है ये, ठीक है। आगे बाद ये फोम नहीं, आप इस तरह की शेप में काट लें, आसान रहेगा, ठीक है। तो ये कोई स्पेशल फोम नहीं है, लेकिन ये ब्रांडेड है, पहली बात बता दूँ। अच्छा, तो ये सीन है। और अभी ये सूख गया साइलेंसर, आप इसकी शाइनिंग देख सकते हैं, ये 50% था। ये देखें जी, ये एक नज़र, अभी आप देख सकते हैं ये मिट्टी बढ़ गई है। ये देखें जी, ये और ये, इसका आप रिज़ल्ट सामने देख सकते हैं आपके सामने। तो ये आपको 680 रुपये में मिल जाएगी दराज से। मैंने तो 550 रुपये में ली है रावलपिंडी से, ग्वाल मंडी से। और ये आप इसको कभी भी मैगवायर के साथ मैच ना करना, ये घंटा रहेगी, दो घंटा रहेगी, ये एक दिन रहेगी, उसके बाद ये उड़ जाएगी, ठीक है जी। अभी बात आ जाती है रस्ट की। मैंने जगह जगह मार ली है स्प्रे, लेकिन आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो आपने चेन पे मारना है, क्योंकि चेन पे बेशक ग्रीस हुई हो, लेकिन वो कुछ टाइम तक हार्ड हो जाती है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में वो सॉफ्ट वाली मिल नहीं रही, एक बात ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर बहुत रस्टिंग आ जाती है इस जगह पर, आई भी है, मैंने रात को स्प्रे की है, जिसकी वजह से ये देखें थोड़ा सा लिक्विड मेरे हाथ में रह गया। तो जब भी आप इस तरह बारिश के मौसम में इस तरह आप इस्तेमाल करें, तो आप इसके ऊपर ये चीज़ ज़रूर अप्लाई करें। WD-40 थोड़ा सा समझ लें कि ऑयली टाइप होता है, तो उसकी वजह से जंग नहीं पकड़ता, इसके अंदर आपका जंग आ जाता है। इधर आप मारें, ये इस तरह की छोटी मोटी जगह हैं जो कि मैंने आपको बतानी थी, जहाँ पर रस्टिंग आ जाती है ईज़िली, ठीक है। बकाया आपके सामने है, अभी आपने जो सिरेमिक करवाई है उसका ये रिज़ल्ट है। और मेरे हो गए कोई 2 मंथ हो गए ऑलमोस्ट, माशाल्लाह, मैं बिल्कुल, मुझे ज़बरदस्त चीज़ लगी है कि आपके सामने शाइनिंग है। अप्लाइड फॉर बाइक भी इसके साथ खड़ा कर दें, सेम शाइनिंग होगी, इस सिरेमिक का ये फ़ायदा है। तो ये सीन है। और कुछ लोगों का डाउट होता है कि इससे ये लेमिनेशन के बराबर है। लेमिनेशन एक अलग चीज़ है, वो आपके मोबाइल पे, सॉरी, बाइक पे लग जाता है प्रोटेक्टर, लेकिन ये जो आइटम है ना, ये आपके बाइक को अप्लाइड फॉर ही रखती है शाइन। देख लें आपके सामने, आपको पहले भी यामा भी दिखा दिया था जी। बॉयज़, यही थी वीडियो, और आपको उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी और मज़ा आएगा वीडियो देख के। बाइकर्स के लिए एक नई कम्युनिटी स्टार्ट हो रही है और काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस अच्छा है। और ये आपके सामने बाइक है, अपने भाई को दीजिएगा ज़्यादा, तो कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में छोड़ें और हम आपका जवाब इंशाल्लाह देंगे। तो हम याद रखिएगा, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।